बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे कि आपको अवगत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इससे पहले देश को संबोधित किया था, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की थी। उसके साथ ही कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं और हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, उन सबके साथ भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रैटेजीज और साथ ही और क्या कार्य करने चाहिए कि जिससे इस महामारी से देश बच सके, उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा की थी। जिसके साथ ही जिसमें जो एक मुख्य अंश निकल कर आया था, जो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब हम ये सारे कार्य कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ केयर स्टाफ को, अपने हॉस्पिटल्स के स्टाफ को, उनकी सर्विसेज को बेस्ट यूटिलाइज करें और कोशिश करें कि कुछ दिनों तक इलेक्टिव सर्जरीज को हम अगर स्थगित कर सकते हैं तो करें, और साथ में हम जब तक कोई सिम्टम्स ना हो हॉस्पिटल ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिस को फॉलो करें। उन्होंने और साथ ही जो देश के हमारे राष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक लीडरशिप मोड में सबने ये कहा था कि देश हर तरीके से, मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री सब लोग मिलकर देश हर तरीके से इस परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार है। वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि देश में जैसे कि हमें नीड हो सकती है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और मेडिकल लॉजिस्टिक्स की, उसको मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में किसी भी तरीके से, ताकि उसमें हम उसको प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए भी एक कार्य प्रणाली का होनी चाहिए। उन्होंने यह भी हमें अवगत किया था, सारे मुख्यमंत्रियों ने भी हमें अवगत किया था कि एक एक्शन की कोई भी होल्डिंग ऑफ कमोडिटीज, ड्रग्स वगैरह ना हो, उसके लिए भी रिक्वायर्ड एक्शन लिया जाएगा। पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो हम शुरुआत से ही एक बात कर रहे हैं कि ये एक संपूर्ण सरकार और समस्त समाज, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से हमें काम करना है। उसके पार्ट के रूप में हमारे को, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जन जागरण और जन भागीदारी के रूप में रविवार का दिन हम लोग जनता कर्फ्यू के रूप में मनाएं। जनता कर्फ्यू यानी कि जनता के द्वारा अपनी तरफ से किया हुआ एक कर्फ्यू, अपनी तरफ से किया हुआ एक संयम, अपनी तरफ से लिया हुआ एक संकल्प कि जिसके तहत वो लोग सोशल डिस्टेंसिस को प्रमोट करें। हमारे जितने भी मोस्ट वल्नरेबल, जैसे कि हमारे सीनियर सिटीजन्स, उसी तरीके से हमारे जो बच्चे हैं, और साथ ही हर नागरिक अपने घर में रहे, अपने घर में रहकर वो एक सोशल आइसोलेशन को प्रैक्टिस करे, और साथ में एक्सेप्ट जो इसेंशियल कॉमोडिटीज़ या इसेंशियल एक्टिविटीज़ के अलावा वो बाहर ना निकले, और इस तरह से देश के इस संक्रमण को रोकने के लिए, इस डिजीज़ के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए देश को कैसे तैयार रहना है, उसके भाग के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे एक विनती की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कल शाम 5 बजे जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए कल शाम 5 बजे हम उनको अपनी कृतज्ञता, उनको हम उससे अवगत कराएं। ये जो पूरा प्रयत्न है, ये पूरे देश की एक कलेक्टिव रेजिलियंस कि हम मिलके कैसे लड़ सकते हैं, हम मिलके किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से जूझ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, उसको दिखाने का एक समय है। मैं आपके थ्रू अपने इंडियन नेशनल से गुजारिश करना चाहूँगा कि कल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपने दृढ़ संकल्प से, अपने संयम से कैसे हम लोग सोशल डिस्टेंसिस को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम लोग मिलकर इस समस्या से लड़ सकते हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में हम सामने आएँ। उसके साथ ही एक बहुत मुख्य अंश है कि हमारे हॉस्पिटल्स क्रिटिकल केयर सर्विसेज के लिए रेडी रहें, जिसके लिए हम अब से पहले भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स करते रहे हैं। एक नया ट्रेनिंग हमने क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के ऊपर, आज भी पूरे देश में हमने 1000 लोकेशंस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको ट्रेन किया। इसके साथ ही हमने आज ही सारे स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी से वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनसे एक और विनती ये की है कि जितने भी हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं देश की, जहाँ पर कि हम क्रिटिकल केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं, और उसके साथ ही हमारी बाकी हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी कल एक मॉक ड्रिल करें। उस मॉक ड्रिल में हम कैसे OPDs को मैनेज करें, कैसे IPDs को मैनेज करें, कैसे हमारा इमरजेंसी रूम रहे, और कैसे हम एम्बुलेंस से पेशेंट को ट्रांसफ़र करें, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल पर कैसे काम करें, उन चीज़ों के बारे में उस मॉक ड्रिल से, ताकि हमारा हेल्थ स्टाफ हर तरह की किसी भी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हर तरह से तैयार रहे, उसके लिए भी
हमने स्टेट से अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा रिक्वेस्ट की है। ICMR ने हमारी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को भी जैसे जैसे समय सिचुएशन इवॉल्व हो रही है उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन हमारी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, तो उन्होंने भी अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को रिवाइज किया है, जिसके तहत अब एसिम्प्टोमेटिक डायरेक्ट और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो कन्फर्म्ड केस के अगर होते हैं तो उनको भी हम 5वें से 14वें दिन के अंदर हम टेस्ट करेंगे, ताकि हम और ढंग से उसको एक पकड़बंदी के रूप में हम उसको समझ पाएँ और उस पेशेंट को भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इसके तहत ही एक बहुत बड़ा विषय हर बार आता रहा है कि हमें अपनी लैब बढ़ानी है, तो आज ही सारी स्टेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए जो डायरेक्टर जनरल हैं ICMR के, उन्होंने स्टेट्स से डिस्कस किया, जो जो स्टेट्स की और लैब भी हमारी सामने आई हैं उनको कंसिडरेशन में लेते हुए आज से 111 लैब देश में, जो कि पूरे देश में चारों तरफ फैली हुई 111 लैब जो हैं वो फंक्शनल हो गई हैं। एक प्रश्न बार बार आता रहा है कि प्राइवेट सेक्टर लैब्स को भी अलाउ किया जाए, जिसके तहत ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर लैब से एक डिस्कशन चल रहा था, उसके तहत ही एक हम निर्णयात्मक स्टेज पर पहुंच चुके हैं और जहां तक संभव है मुझे लगता है आज शाम को हम लोग उसके बारे में भी एक डिटेल्ड ऑर्डर जारी कर पाएंगे। साथ ही एक और चीज़ मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जब हम ये सोशल डिस्टेंसिंग प्रमोट कर रहे हैं, जब हम ये जनता कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, तो एक मुख्य अंश ये है कि हम किसी भी फेक न्यूज़ के से घबराएं नहीं, पैनिक ना क्रिएट होने दें। हम एक जागरूक नागरिक के रूप में, हम एक अवेयर सिटीजन के रूप में कैसे हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, कैसे हम प्रिवेंटिव मोड में देश तैयार है कि हम उस सिचुएशन को ही ना आने दें कि जब देश के सामने मजबूरी हो जाए उसकी बजाय प्रिवेंटिव एक्शन लें, तो उसके तहत फेक न्यूज़ से कन्फ्यूज हुए बिना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की तरफ ध्यान देते हुए अगर हम बढ़ेंगे तो हम इस सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे कि इससे पहले भी अवगत किया जा चुका है कि हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन, ये तीन बहुत मुख्य अंश हैं एज ए प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी। इस हैंड हाइजीन के तहत हमने डिफरेंट डिफरेंट चैनल से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देश के नागरिकों से एक विज्ञप्ति ये की है कि आप चाहे तो साबुन से हाथ धो लें, चाहे आप सैनिटाइजर से हाथ धो लें, हाथ साफ कर लें, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे सीनियर अधिकारी भी हैं जो सैनिटाइजर के विषय में भी और डिटेल में गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए हैं आपको आपकी दृष्टि में लाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँ कि हर आदमी को हैंड सैनिटाइजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि जब हम अपने हाथ धोएं, साबुन से भी धोएं, तो तरीके से धोएं। हमें चारों तरफ हर तरह से हर उंगलियां आगे से पीछे से हाथ धोने हैं, ये मुख्य है, ना कि हमें खाली सैनिटाइजर पर ही डिपेंड करना है। इसके साथ ही मास्क के विषय में भी बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। हम हर तरह से हर तरीके से हर लोगों को अवगत करना चाहते हैं कि मास्क सबको पहनने की ज़रूरत नहीं है। मास्क कब पहना जाए उसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस इससे पहले भी दी जा चुकी हैं। मास्क के बारे में आपको मास्क से भी ज़्यादा ज़रूरी कि आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर तक का डिस्टेंस रखें, और आपको अगर कभी खांसी और उस तरह से खुद हो तब आप मास्क पहनें, ताकि आपके द्वारा किसी को इन्फेक्शन ना हो। तो समाज में हर आदमी को मास्क की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही एक और भ्रांति समाज में फैली हुई है कि हर समय हम सोचते हैं कि हम N95 मास्क लें। अगर हमें मास्क की ज़रूरत भी है तो डबल प्लाई, ट्रिपल प्लाई जो रेगुलर मास्क होते हैं, जो कपड़े के बने मास्क होते हैं, वो ही सफिशियंट हैं। N95 मास्क क्लिनिकल सेटिंग में, हॉस्पिटल सेटिंग में यूज़ किए जाते हैं, तो जो वो अवेलेबल मास्क हैं वो हॉस्पिटल सेटिंग में यूज़ किए जाएँ। हमारी आपके थ्रू सबसे रिक्वेस्ट यही है कि इन गाइडलाइंस का हम हर तरीके से पालन करेंगे तो हमें किसी भी टाइप की परेशानी से हमें उससे जूझना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही एक और अंश मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि स्टेट्स को हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, और उस प्रिपरेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार हमने हर स्टेट्स को ऑलरेडी डिजास्टर रिलीफ फंड में एक पूरा डिटेल्ड आदेश जारी किए कि आप स्टेट का डिजास्टर रिलीफ फंड को उपयोग कर सकते हैं। आपको जो भी कार्य करना है, जो डिफाइंड कार्य है, उसमें आप उनको उस फंड को उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हेल्थ सेक्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, आपको कोई भी चीज़ अपग्रेड करनी है, आपको कोई एडिशनल इंसेंटिव भी देना है अपने हेल्थ स्टाफ को, तो उसके लिए भी आप जो है नेशनल हेल्थ मिशन के फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिटेल्ड डायरेक्शंस ऑलरेडी स्टेट को दी जा चुकी हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि
ये आपके थ्रू सबको, हम समाज में सबको बताएं कि हेल्थ सेक्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए जो जो कार्य करने पड़ेंगे, सरकार अपनी तरफ से हर कार्य को कर रही है। इसके साथ ही एक और अंश मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि इससे पहले भी हम करीब 1600 इंडियंस और बाकी दूसरे देश के अपने और उन दूसरे देशों के नागरिकों को मिला के करीब 1700 लोगों को हम डिफरेंट देशों से यहाँ पर लाकर अपने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रखते हुए उनको एक तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, करते आ रहे हैं। आज उसी के भाग में रोम से 262 पैसेंजर्स वहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर हमारे देश में जो प्राइमरी उसमें स्टूडेंट्स हैं वो देश में वापस आएंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देयर कमिंग। हम उनको फिर अपने यहाँ पर, जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, हम उनको अपने क्वारंटाइन सेंटर्स में रख के उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करके उनको मॉनिटर करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि कल जो हमारा जो जनता कर्फ्यू है, ये जन भागीदारी से और जन जागरूकता से किया हुआ कार्य है। इसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट फोर्स, इट इज़ अबाउट इन टर्म्स ऑफ कमिंग टुगेदर दैट आर वी रेडी एज ए कम्युनिटी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड यूनिटी इन आइसोलेशन। हम यूनाइट रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे, लेकिन यूनिटी से हम मिलके इस समस्या से जूझेंगे। ये हमारा एक बहुत, जिसे कहते हैं कि हर तरह से मिलके करने वाला प्रयत्न है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कल इसमें देश का हर नागरिक खड़े होकर, हर एक आदमी एक से हाथ से हाथ जोड़ते हुए इसको उस लेवल तक लेके जाएगा कि हम एक अच्छा संदेश दे पाएं कि इस बीमारी से जूझने के लिए देश हर तरह से तैयार है। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर पी के अग्रवाल जी से कि वो आपको ब्रीफ करें। नमस्कार दोस्तों, मैं जो हमारा उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है और जो खाद्य पदार्थों को लेकर जो मंत्रालय है उसकी तरफ से बोल रहा हूँ। जैसा कि आपको लव अग्रवाल साहब ने बताया कि जैसे ही जन साधारण को ये सोशल डिस्टेंसिंग और जो आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ जगह पर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हो रहे हैं और जन साधारण की जो दिनचर्या है अस्त व्यस्त हो जा रही है, उसमें हम सबको इस बारे में विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में लगने वाली वस्तुएं हैं वो उपलब्ध हों, उसके ऊपर में हम लोगों ने निगरानी रखना लगभग 2 हफ्ता पहले शुरू कर दिया था। 13 मार्च को जो मास्क और सैनिटाइजर्स हैं उनको एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत लाया गया था। उसके बाद में लगा कि उससे समस्या पूरी तरह हल नहीं हो रही है, तो विभिन्न विभागों से बातचीत करने के बाद में हमने उसमें जो रॉ मटेरियल लगते हैं उनको भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत लाए हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें मोनोपोली हैं किसी पर्टिकुलर कंपनीज की और वहाँ पर बिल्कुल एक स्पाइक इन प्राइस देखा गया था, तो उसके ऊपर विशेष नज़र रखी जा रही है। साथ में ही देखा कि जो रिटेल प्राइसेज हैं मास्क और सैनिटाइजर्स के, वो उसमें कोई मापदंड नहीं है, तो बहुत विचार करने के बाद में हम लोगों ने कल ही मास्क 2-ply or 3-ply मास्क्स, 2-ply मास्क 8 रुपये का और 3-ply मास्क 10 रुपये का, और जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर 200 ml उसको 100 rupees का ये प्राइस फिक्स किया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। ये कुछ प्रोडक्ट मार्केट में होंगे जिसके ऊपर MRP अलग लिखी गई होगी, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट तो अभी आम जनता को उन्हीं प्राइसेज में मिलेंगे, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जो नए प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे उस पर इससे ज़्यादा MRP नहीं होगी। साथ ही लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट, भारत सरकार का और राज्य सरकारों के साथ मिलकर एनफोर्समेंट और सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं।
कंज्यूमर हेल्पलाइन को एक्टिवेट किया जा चुका है, जिसमें हमें पूरे देश भर से विभिन्न शिकायतें मिल रही हैं और उनको रैपिडली कैसे निपटाया जा सके उसके ऊपर हमारा विशेष जोर है। प्रोडक्शन कैपेसिटीज मास्क और सैनिटाइजर्स का बढ़ाने के ऊपर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसमें जो डिओड्रेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी सैनिटाइजर्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ये निर्देश राज्य सरकारों को दिया जा चुका है। इसके लिए जो परमिशन मिलती है उसकी उसका इंतज़ार नहीं करके वो इमीडिएटली इसको शुरू कर सकते हैं। जो इथाइल अल्कोहल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल जो सैनिटाइजर्स में लगता है, उसके लिए जो अल्कोहल इंडस्ट्री है, जो डिस्टिलरीज हैं, उनको निर्देश दिए जा चुके हैं कि ये इथाइल अल्कोहल और दूसरे तरह के जो अल्कोहल लगते हैं सैनिटाइजर्स में, उसकी उसको उपलब्ध कराए इनके मैन्युफैक्चरर्स को। अगर वो अपने प्लांट में ही ये हैंड सैनिटाइजर्स मैन्युफैक्चर करना चाहें उसको भी हम उत्साहित कर रहे हैं। साथ में जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पहले से हैंड सैनिटाइजर्स बना रहे हैं, उनको अगर अपनी कैपेसिटीज इंक्रीज करनी है उसके लिए भी कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज हैं इसीलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए गए हैं। आशा करते हैं कि हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क और जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, ग्रॉसरीज हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। FCI, NAFED और जो दूसरे सरकारी संस्थान हैं, जो ऑर्गेनाइज रिटेल है, जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सबके पास में ही सफिशिएंट स्टॉक है, तो पैनिक बाइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बारे में जोर दिया था, पैनिक बाइंग करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि कुछ समय के लिए, एक दो दिन के लिए जिस ग्रॉसरी स्टोर से आप ले रहे हैं वहाँ पर हो सकता है कि वो सामान ख़त्म हो जाए, लेकिन जल्दी उसको रिप्लेनिश कर लिया जाएगा। तो मैं आप सबके माध्यम से पूरे देशवासियों को यही आश्वासन देना चाहूँगा कि भारत सरकार और राज्य सरकारें जो रोज़मर्रा में आने वाली हमारी वस्तुएं हैं, ग्रॉसरीज हैं, हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, जो मास्क हैं, उसकी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल पर पूरी निगरानी रख रही है और इसमें आम जनता को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ई कॉमर्स प्लेयर्स, उनके ऊपर विशेष जोर है, क्योंकि ये लोग अगर आप घर से नहीं भी निकलते हैं तो आपको ये विशेष जो वस्तुएं हैं, जरूरी वस्तुएं हैं, वो उपलब्ध आपके घरों में ही करा सकते हैं। जो सेल्फ क्वारंटीन में लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उसके लिए निवेदन है कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या नेबरहुड कमिटीज़ वॉलेंटियर्स की बनाकर वहाँ पर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें उन तक पहुँचाएँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि जो पैनिक बाइंग का एक सिलसिला शुरू हुआ है, आप सबके माध्यम से इसको हम जल्दी ही लोगों में एक आश्वासन दे पाएंगे कि उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद सर। फ्रेंड्स, वी हैव गॉट सम क्वेश्चंस एंड वी विल टेक क्वेश्चन हियर आल्सो। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 1818। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये था कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो ये कोरोना वायरस है इसकी दवा बनाने को लेके काम चल रहा है अलग अलग देशों में। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब का बयान आया है कि जो मलेरिया वाली दवा है वो उनके वहाँ जब ये दवा दी गई है तो वो काफ़ी कारगर साबित हुई है। वहीं दूसरी ओर चीन में ये बयान आया है कि जो जैपनीज़ फ्लू के दौरान जो दवा दी गई थी उसने वहाँ के मरीजों को काफ़ी ठीक करने में मददगार साबित हुई है।
भारत सरकार का इस पर क्या टेक है और क्या आप लोग भी कुछ इस तरह के ही उपक्रम कर रहे हैं? देखिए, ये अभी भी आपकी नॉलेज में होगा, ये अभी भी काफ़ी कुछ रिसर्च का विषय है। जैसे एक पर्टिकुलर दवाई के बारे में अगर एक स्टडी पॉजिटिव आती है तो दूसरी स्टडी से ये भी पता लगता है कि शायद वो उतनी कारगर भी नहीं है। तो ये अभी रिसर्च चल रही है। जैसे आप लोगों की नॉलेज में ऑलरेडी है कि एक पर्टिकुलर इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ICMR ने ऑलरेडी परमिशन लेके रखा हुआ है, जिसके थ्रू कुछ पेशेंट्स को हमने अंडर ट्रीटमेंट लिया भी था। तो अभी बाकी जितने ये सारे प्रयोग चल रहे हैं या जितना ये फीडबैक आ रहा है ICMR के लेवल पर, उस पर डिस्कशन कर जो भी रिक्वायर्ड डिसीजन होगा वो टाइम पर लिया जाएगा। वी हैव अ क्वेश्चन ऑनलाइन फॉर MEA फ्रॉम जागृति चंद्रा। विल इंडिया अलाउ पैसेंजर्स एट वेरियस यूरोपियन एयरपोर्ट्स हु हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम कैनेडा एंड US टू टेक देयर कनेक्टिंग फ्लाइट्स? देयर इज नो बैन ऑन इंडियंस रिटर्निंग फ्रॉम कैनेडा एंड US। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिला है कि हमारा इंडियन नेशनल्स जो ट्रांजिट में फंस गया है यूरोप में, मेनली लंदन और एम्स्टरडम, पेरिस और फ्रैंकफर्ट में, लेकिन वो नेशनल्स है ओरिजिन USA, कनाडा, मेक्सिको और ब्राज़ील से है। तो हो सकता है कि जो इंटरप्रिटेशन जो एयरलाइंस का है उसमें थोड़ा गैप आ गए, तो हम उसको रिजॉल्व कर रहे कि तुरंत उसको मदद मिले कि वापस आने के लिए, कि लॉजिस्टिक हम सॉर्ट आउट कर रहे, तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन में हो जाएगा उसका। 152 सर अग्रवाल, यू टॉक्ड अबाउट एन ऑर्डर ऑन प्राइवेट लैब्स कमिंग दिस इवनिंग। क्विक क्लैरिफिकेशन सर, विल देयर बी ए प्राइस कैप ऑन दिस टेस्ट इन प्राइवेट लैब्स? एंड सेकेंडली, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया? कैन एनीवन गो एंड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड इन दिस private labs as and when they want? And thirdly, how many additional labs will be added because of the initiative that you will be taking on private labs? So first thing is, when it comes to price cap, it is already in discussion, and I am sure by evening you will get the detailed order, which might also indicate, based on the discussion with private labs, if there is going to be any price cap. Second thing is that it is very important, we have always been highlighting that we should not just do the testing because it is more of a fashion or it is more of a confidence building measure. It is very important to understand that testing should only be resorted as per the protocol defined for testing. And this protocol has already been designed by ICMR, and as per that protocol only, based on the prescription of the physician who is empowered to give that prescription, the test should be resorted to. In terms of number of labs which can be added, so I am sure once the guidelines are obtained and put in public domain, then whichever labs qualify the criteria which are put up for taking up those labs will be allowed. Please wait for your turn. Everyone will get a turn. 33. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम प्राइवेट लैब्स के संबंध में ऑर्डर निकाल रहे हैं, वो शाम तक आने की पूरी संभावना है। उसमें मुख्यतः इन टर्म्स ऑफ कि उनकी क्या प्राइस उन्हें चार्ज करना चाहिए, तो प्राइवेट लैब से डिस्कशन करने के बाद मुझे लगता है कि उसमें कोई एक निर्णय लिया जाएगा कितनी लैब हम जो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब ये गाइडलाइंस आ जाएंगी, तो उन गाइडलाइंस के तहत जो भी लैब उन गाइडलाइंस को सेटिस्फाई करेंगी, वो लैब उस पर एक्शन ले सकती हैं, उसके ऊपर वो अपना कार्य शुरू कर सकती हैं। इसमें मुख्य अंश ये है कि जो वो किसी का भी सैंपल ना लें, सैंपल उसी का कलेक्ट किया जाएगा जो कि रजिस्टर्ड फिजिशियन जो होंगे, जो क्लिनिकल गाइडलाइंस, जो ICMR की सैंपल कलेक्शन गाइडलाइंस के तहत जिन पेशेंट को कहेंगे उनका ही सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। ये आप हमेशा, आपके थ्रू मैं सब लोगों से फिर से एक विज्ञप्ति यही करना चाहूँगा कि हमें सैंपल कलेक्शन के लिए तभी जाना चाहिए जब उसकी नीड हो। क्योंकि क्या होता है कि हम ये बताते हैं सिम्टम्स किसकी बात करते हैं, सिम्टम्स हैं कफ, फीवर, ब्रेथलेसनेस, और हम सबको पता है कि ये सिम्टम्स बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस के भी हैं। तो ये क्लिनिशियन जजमेंट होगा, ये क्लिनिकल सैंपल कलेक्शन की गाइडलाइंस के तहत होगा कि किस आदमी का कोविड के लिए टेस्ट किया जाए। सर, खबर ये आ रही है कि कई राज्यों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और कौन कौन राज्य में ये सबूत मिले हैं? देखिए, अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ होगी कि हमें देश में लगेगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने वाला है या हो रहा है,
तो हम आपको समय के अनुसार उसके हिसाब से अवगत करेंगे। अभी की सिचुएशन ये है कि अभी हमारे कुछ लोकेशन में ज़्यादा केस पाए गए हैं। सरकार का मुख्यतः एफर्ट ये है कि हम कैसे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकें, और उसी के तहत ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें एक आदेश दिया, हमें एक हमारे समाज से विज्ञप्ति की है कि कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, कैसे हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ऊपर फोकस करते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकें। इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चन ईमेल पे भी आए हैं, अगर हमारे कुलीग वी आर गिविंग यू द चांस या प्लीज वी आर गेटिंग चांस फॉर एवरीबडी अल्टरनेटली प्लीज यूज माइक। Today a case was reported from Pune where the travel history was to Mumbai. A case has been reported from Chennai where the travel history is to Delhi, and another one in Nagpur. So is international travel history or contact? Please, he is asking the question. Don't intervene in between. Let her complete the question first. Community transmission? Let me kindly explain to you. Government has always been very transparent because we are dealing with infectious disease management. जब हम infectious disease management से deal करते हैं तो ज़रूरत है कि हम जो भी information हो समय समय पर आपके through public की knowledge में लाएँ, ताकि हमें public को जब aware public होगी तो हम उसको manage कर पाएंगे। अभी हमारा पूरा effort है कि हम कोई भी जितने भी सारे contact trace करें, और जैसे कि आपने बताया है जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक अगर इतनी सिंपल एक्सरसाइज नहीं है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़, तो उसके तहत जैसे कि अगर आज हमारे पास, कल मैंने आपको बताया था करीब 6,700 कॉन्टैक्ट हम ट्रेसिंग में कर रहे हैं, और ये इवॉल्विंग और चेंजिंग फिगर होती है, तो आज जो हमारे को स्टेट से जो डेटा मिला है करीब 7,000 कॉन्टैक्ट्स को हम ट्रेस कर रहे हैं, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। तो जब भी हमें लगेगा, जब भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये कहेगी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, तो डेफिनेटली हमें देश को बताना पड़ेगा, हम तब आप लोगों के नॉलेज में लाएंगे, आपके थ्रू लाएंगे। अभी हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रही है। 41 प्लीज यूज माइक। हैव यू बीन एबल टू आइडेंटिफाई द सोर्स इन दीज केसेस? मैडम, दैट इज व्हाट आई सेड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज ए कंटिन्यूसली टू बी डन एक्सरसाइज। एक पर्टिकुलर केस के बारे में मैंने आपको इससे पहले बताया था, वो ये था कि वो पर्टिकुलर केस जब ट्रैवल हिस्ट्री से, जब वो चाइना से केस यहाँ पहुँचा था, तो कितनी कितनी जगह होते हुए अपने घर पहुँचा, और उन जगह पर सब पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में टाइम लगता है, लोकेट करना पड़ता है, तो वो एक्सरसाइज अभी भी ऑनगोइंग है। अगर हमें लगेगा कि नहीं फैक्ट्स उससे डिफरेंट हैं, तब हम डेफिनेटली आपकी नॉलेज में लेके आएंगे। But where have 16. these cases no acquired infection from? That is also key. No, they do not have travel history. They have not come in contact with any Madam, of the person. Let me kindly reassure you. That is what is the whole concept of contact tracing. That is the effort we are doing right now. Yes, 16 please. पवन जी से मेरा सवाल है कि हैंड सैनिटाइजर और तमाम चीज़ों को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया है, ऑर्डर जारी किया गया है, होर्डिंग्स ना हो, इसके रेट फिक्स किए गए हैं, तो देश भर में इसको कैसे सुनिश्चित कराया जाएगा कि ज्यादा रेट पर नहीं बिक रहे हैं या होर्डिंग्स नहीं हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सुनिश्चित जो कराने की बात है, हर किसी को जागरूक होने की जरूरत है, इवन दुकानदारों को भी जागरूक होने की जरूरत है, और जो एनफोर्समेंट और सर्वेलेंस की एक्टिविटीज हैं हर स्टेट में, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लोकल लेवल पर जो टीम्स बना दी गई हैं जो एनफोर्समेंट कर रही हैं, हमें उसका डेटा मिल रहा है डेली बेसिस पर। वो डेटा जो है, हमारी एक वेबसाइट है जागो ग्राहक जागो, उस पर COVID-19 के वेब पेज पर ये सब डिटेल्स अवेलेबल हैं, और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह की होर्डिंग और जो ये ब्लैक मार्केट में सेलिंग की जो प्रवृत्ति है वो दुकानदार ना अपनाए, और जिस दाम में हमने ठीक किया है उसी दाम में उपलब्ध कराए। 152 दो चीज़ें, एक तो सर ये टेस्टिंग प्रोटोकॉल बदलने का रीज़न क्या है, अगर ट्रांसमिशन अगर हम थर्ड स्टेज में नहीं, तो टेस्टिंग प्रोटोकॉल क्यों बदला? दूसरा, कल जो प्रधानमंत्री जी ने राज्य के मुख्यमंत्री से बात की थी, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री ने स्पेसिफिकली क्या बताया है, क्योंकि राज्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। देखिए, इंसिडेंटली जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो
तो उस समय कल इसी समय में मैं आप लोगों को एड्रेस कर रहा था, तो मेरे पास वो डिटेल्स नहीं है, बट येस देर आर पीपल हु अटेंडेड दैट वीडियो कॉन्फ्रेंस, वो डिटेल आपको मैं बाद में दे सकता हूँ। विद रेस्पेक्ट टू टेस्टिंग प्रोटोकॉल, आप हमेशा ये समझिए कि जो देश का रेस्पॉन्स रहा है, देश का रेस्पॉन्स हमेशा इवॉल्विंग सिचुएशन के हिसाब से रहा है, एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स बैठ के उसको एनालाइज करते हैं। हमारी जो नेशनल लेवल पर जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की कमेटी होती है वो डिस्कस करती है, उसको डिस्कस करने के बाद आइडेंटिफाई करती है कि अगर हमें सिचुएशन से जूझना है, इस सिचुएशन को मैनेज करना है, तो किस किस टाइप के प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जब शुरू में हमने स्क्रीनिंग शुरू की तो 3 एयरपोर्ट में शुरू की, हमारा जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होती रही वो 3 से 7 हुए, 7 से फिर 30 21 हुए, 21 से 30 हुए, और आज हम उस स्टेज में हैं कि हमने पूरा इंटरनेशनल ट्रैवल भी बंद कर दिया, वो टेम्परेरी से लेकिन बंद किया। तो इसी तरीके से पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स टेक्निकल क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेते हुए अपनी गाइडलाइंस को सतत बढ़ाते जा रहे हैं, सतत उसको एक इम्प्रूव करते जा रहे हैं, ताकि हमारा रेस्पॉन्स उसी हिसाब से उसके हिसाब से बना रहे। 28 जी, क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि पूरी कम्युनिटी में फैल जाए तब रिस्ट्रिक्शन बढ़ाएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो या बाकी ट्रेन हो या फिर दूसरी और भी जगह पे हो, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि ट्रेस करने में टाइम लगता है। सेकंड, आज भी ट्रेन रेलवे से तकरीबन 12 से 13 लोग ट्रेवल कर रहे थे जो पॉजिटिव थे, तो क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पूरी फैल जाए फिर प्रतिबंध लगाएंगे? देखिए, आई थिंक ये स्टेटमेंट जो है ये थोड़ा सा लीडिंग क्वेश्चन हो गया, तो मैं इसको दूसरे ढंग से इंटरप्रेट करना चाहूँगा। हम सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना जरूरी है। आज की तारीख में जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं देश को संबोधित कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ में उनसे जुड़कर देश के जितने प्रदेशों के मुख्यमंत्री एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर कहते हैं कि कलेक्टिवली हमें इस दिशा में लड़ना है, इस दिशा में कार्य करना है, और उसके तहत ही एक जनता कर्फ्यू की बात करते हैं, तो आई थिंक जो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि पूरा देश, सरकार, सरकार के साथ समाज इसके बारे में हर तरह से जागरूक है और हर तरह से जो भी रिक्वायर्ड एक्शन लेना है उसके लिए तैयार है। ये मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग मिलकर इसकी लड़ाई लड़ें। कल जो हम एक्शन करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम कहें कि जनता कर्फ्यू, जनता की भागीदारी से, जनता के इन्वॉल्वमेंट से, जागरूक जनता के द्वारा किया गया ये एक ये प्रयास, आप रेगुलेटरी आस्पेक्ट जितना बताते हैं, रेगुलेटरी आस्पेक्ट विल एड वैल्यू इफ कम्युनिटी इज अवेयर। तो हमारा जो पूरा एफर्ट है कि कैसे हम समाज को लेके साथ चलें और उसको बनाएं, आगे बढ़ें। इसी तरह से कल भी मैं आप लोगों की नॉलेज में लेके आया था, जो हमारे मेट्रोज हैं, जो हमारे रेलवेज हैं और जो हमारे और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, चाहे वो हमारी एरोप्लेन्स हों, चाहे वो साथ ही हमारे बसेज हों और बस स्टैंड हो जहाँ पर लोग रहते हैं, उन सभी जगह पर हमने आदेश दिए हैं कि आप वहाँ पर ऑल्टरनेट सीटिंग अरेंजमेंट लाइए, नंबर ऑफ सर्विसेज को कम कीजिए, खाली इसेंशियल सर्विसेज या मिनिमम सर्विसेज को चलाइए। तो ये सारे आदेश दिए जा चुके हैं, इन आदेशों पर अमल हो रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बल्कि आप ही के लोगों के थ्रू हम लोगों को पता लगता है कि इतनी ज़्यादा स्पीड से अमल हो रहा है, कि क्योंकि पब्लिक भी जागरूक है और समाज भी हर तरह से मिलकर कर रहा है, तो ये हमारा कंटिन्यूड एफर्ट है। मैं अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करके कुछ क्वेश्चन ले लें जो ईमेल पे हैं, जो उन लोगों से आए हैं पहले, उसके बाद हम कुछ बात में ले लेंगे। एक क्वेश्चन जो हमारे मित्र लोगों ने पूछा है, वो ये पूछा है कि नोबडी इज रिसीविंग कॉल और हार्डली एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द टोल फ्री नंबर। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक टोल फ्री नंबर और एक हमारा पुराना नंबर, दोनों नंबर अभी हमारे चल रहे हैं, 145 कॉल, 145 लाइन उस पर चल रही हैं। इसके साथ ही जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके भी कॉल सेंटर नंबर्स हैं 104 और डिफरेंट नंबर से, जो हमारी वेबसाइट पर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। एक छोटी सी समस्या हम ये फील कर रहे हैं कि जैसे ही ये लाइंस कंप्लीट होती हैं जो नेशनल लेवल की हैं, साथ ही जो स्टेट लेवल की हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले ज़्यादा हैं, तो उस कंटेक्स्ट में कई बार कुछ लोगों को कॉल वेटिंग उस टाइप की समस्या से थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट इज़ अवेयर अबाउट इट, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज, नॉट ओनली इंक्रीज द लाइंस ऑल्सो, बट वी आर रिक्वेस्टिंग कि काइंडली बी लिटिल बिट पेशेंट, हेल्प अस, वी आर देयर 24/7, ऑल दीज कॉल सेंटर्स आर फंक्शनिंग। दूसरा, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जो हमारी वेबसाइट है, 2 दिन पहले उस पर 15 करोड़ हिट थे,
पूरी वेबसाइट ही, मतलब क्योंकि हम अपनी वेबसाइट के थ्रू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देना चाहते हैं, तो पीपल आर लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन एंड वी आर अवेयर ऑफ इट, विल सपोर्ट इन वॉट एवर वे पॉसिबल. एक और क्वेश्चन आया था कि जो था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम टेस्टिंग के लिए बात करेंगे, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ. साथ ही एक ये क्वेश्चन आया था कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मैं आप सबसे इससे पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जितने भी हमारे एफर्ट चल रहे हैं, हर स्टेट से हमने रिक्वेस्ट किए कि जो भी आप फैसिलिटीज़ क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट की तैयार करें उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करें. नेशनल लेवल पर भी इसके बारे में रिक्वायर्ड एक्शन लिया जा चुका है, स्टेट से भी इस बारे में एक्शन लिया जा रहा है. अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर हम स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरीज़ के साथ आ रहे हैं, वहाँ फिर इस पर चर्चा हुई थी, तो उसके बारे में हम लोग जो है ये कंबाइंड एफर्ट है, ये अलग अलग एफर्ट नहीं है. फिर साथ ही एक ये था कि शॉर्टेज ऑफ पीपीज के बारे में, जैसे कि सर ने भी बताया है कि जो भी कहीं पर भी हमें किसी भी लॉजिस्टिक्स आइटम की शॉर्टेज है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन शुरू किया जा चुका है कि ताकि हम उनको कैसे रिप्लेनिश कर सकें, उस पर हमारा एक्शन चल रहा है. फ्रेंड्स, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज की तरफ से एक मैसेज है आप लोगों के लिए. अननेसेसरी ट्रैवल एंड रशिंग इन ट्रेन में प्लीज बी अवॉइडेड. ऑफकोर्स एडवाइजरी जो है बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, काइंडली लेट अस एक्सटेंड दिस मैसेज टू अवर पार्टिसिपेंट्स. नाउ आई विल कॉल नंबर 10. सर, ब्रह्मप्रकाश दुबे, जी न्यूज़ से. सर, मेरा सवाल यह है, जनता कर्फ्यू को लेकर जो कल प्रधानमंत्री की अपील के बाद लागू हो रहा है, एक साथ सारे एक्शन शुरू हो रहे हैं, जैसे रेलवे भी ठप रहेगा, मेट्रो भी, और सारी चीज़ें मतलब 24 घंटे के लिए. तो मेरा कोरोना वायरस के लिहाज से एक समझने के लिए सवाल है कि 24 आवर में क्या अलग रखने से वायरस जो है वो डाउन हो जाता है, ये भी बेनिफिट मिलेगा? हाँ, ट्रांसमिशन डाउन हो जाता है. और दूसरा, क्या ये हम तरह से 2-3 दिन में केसेस आए हैं, तो क्या हम इसको कल का जो जनता कर्फ्यू है एक ट्रायल के तौर पर समझें? हो सकता है भविष्य में लॉकडाउन की स्थिति भी आ सकती है, तो ट्रायल के तौर पर समझें, जनता तैयार है? देखिए, फिर मैं आप लोगों के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देश में हम लॉकडाउन की कोई बात नहीं कर रहे हैं. ये वर्ड इट्सेल्फ जो है ये अननेसेसरी भय पैदा करता है. हम केवल ये बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, टेक्निकल एक्सपर्ट ने, सब ने एक चीज़ कही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. हमारे जितने एफर्ट्स हैं प्रिवेंशन की तरफ है, और उस प्रिवेंशन के पार्ट में ही, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं इससे लिंक करना चाहूँगा, हमारे एक और मित्र ने कहा था कि क्या सरकार किस चीज़ की वेट कर रही है. हम किसी चीज़ की वेट नहीं कर रहे हैं, इसी के तहत ही हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि क्या हमारा समाज एक साथ मिलकर, अगर हमें सोशल डिस्टेंसिंग एज ए प्रोसेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन हो सकता है टू ब्रेक द ट्रांसमिशन, क्या हम लोग उसके लिए तैयार हैं और उसके लिए क्या तैयारी करनी है? तो उसके तहत ही हम कल जो है जनता कर्फ्यू की बात कर रहे हैं. इसमें आप बार बार आप ये समझें कि इसमें हमारा मेन एफर्ट है कि कैसे हम समाज के हर आदमी को अपने साथ जोड़ के ये काम करें. तो दिस इज अबाउट हाउ वी आर गेटिंग टुगेदर. 25 हॉस्पिटल से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि पीपीई जो है उसकी शॉर्टेज है अभी भी. क्या मिनिस्ट्री ने कुछ असेसमेंट किया है इसके ऊपर कि कितना डेफिसिट है, और क्या इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? मैडम, पीपीज के बारे में शुरू से ही यहाँ पर, क्योंकि जो पीपीज शुरू में आते थे वो काफ़ी कुछ इम्पोर्टेड क्लॉथ के होते थे, एक शुरू में एक गैप रहा. उस गैप को समझते हुए हम लोगों ने टेक्निकल कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई. उस कमेटी ने जो पीपीज की एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस को समझते हुए कि किस टाइप के पीपी जो कि हम देश में भी तुरंत बना सकें, अगर हमें लार्ज नंबर्स की ज़रूरत हो तो उसको भी बना सकें, उसके तहत हमने पीपीज की गाइडलाइन भी रिवाइज की, और गाइडलाइंस को हमने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को आइडेंटिफाई किया, और उन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के क्लॉथ और स्टिचिंग की प्रॉपर टेस्टिंग समझते हुए आज वो मैन्युफैक्चरर्स आइडेंटिफाइड हैं, और रिक्वायर्ड एक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट फ्रॉम उन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स से चल रहा है. नंबर 9. सर, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था. आपने बोला कि अब एक क्लिनिशियन अपने जजमेंट पे, प्रिस्क्रिप्शन पे लिख सकता है अगर COVID-19 का टेस्ट चाहिए तो. सुबह जो रिलीज हम लोग को आया था उसमें लिखा था ऑल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट विद सारी टाइप इलनेसेस. सो इज इट रिस्ट्रिक्टेड टू हॉस्पिटलाइज्ड और नॉन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स टू? मैम, जस्ट लेट मी रीड आउट वेयर ए पर्टिकुलर इन व्हाट केसेस टेस्टिंग कैन बी डन, एंड आई बिलीव दिस इज ऑलरेडी बीन केप्ट बाय ICMR इन देयर वेबसाइट आल्सो. दिस इज फ्रॉम ICMR वेबसाइट ओनली. हां, तो उसमें ये मैं, लेट मी जस्ट रीड आउट
so that there is no factual inconsistency in what I speak in terms of explanation and what is actually technically to be spoken. It says all hospitalized patients with severe acute respiratory illness potentially identified for testing of COVID-19, unka sample liya jana chahiye. All asymptomatic confirmed cases, health workers are eligible for COVID-19 testing, un logo ka sample lena chahiye. Teesra jo naya addition hai, wo ye hai ki agar, I mean, let me again highlight, asymptomatic direct and high risk contacts of a confirmed case to be tested once between day 5 and day 14 of his coming in contact with that person. To jo bhi prescribe bhi karenge, unko inhi guidelines ke tahat hi prescribe karna. 15, 1, 5. और ये कि कल जब आप यहाँ पीसी कर रहे थे तब 206 मामले थे, आपके बाहर निकलते 223 हो गए और अब सुबह 258 और अब 283, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं. आप कह रहे हैं कि हम स्टेज 2 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यानी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन. तो क्या है अब ये स्थिति, क्लस्टर से आगे आपको लग रहा है कि नहीं बढ़ रहे? पूरे एफर्ट जो हैं कि हम उस लेवल पर ना पहुँचे कि हम केसेस को ट्रैक ना कर पाएँ. जैसे कि कल भी हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक तो जो हम ओवरऑल सर्वेलेंस थ्रू लैब टेस्टिंग करते हैं, एक दूसरे हम ओवरऑल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या मैं एक पर्टिकुलर केस की सोर्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और उससे लिंक केसेस को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप ये जज कर सकते हैं कि क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है. अभी हमारे पूरे एफर्ट्स हैं कि हम हर तरीके से हर केस के कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई करें और उन केसेस को आइडेंटिफाई करके चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करें. ये आप सबको, हम सबको समझना चाहिए. नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और इसी कारण से आज की तारीख में हम लोग उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, कल भी हमने स्टेट को, हर स्टेट से रिक्वेस्ट किया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो भी समाज को इन्वॉल्व करते हुए ज़रूरत पड़े तो लीगल एक्शन लेते हुए आप रिक्वायर्ड एक्शन लीजिए. तो जो पूरे एफर्ट हैं वो ये हैं कि हम उस स्टेज में ना आए कि हमारे केसेस और ज़्यादा बढ़ें. अभी अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो दिस इज़ एन इंडिकेशन फॉर अस दैट वी हैव टू बी मोर अलर्ट, मोर कॉशियस एंड वी हैव टू फॉलो द टेक्निकल गाइडलाइंस एडवाइज बाय द एक्सपर्ट्स. 154 केसेस ऑफ पीपल ब्रेकिंग क्वारंटाइन ए एंड बी, पीपल नॉट डिक्लेयरिंग their status, travel history, and then mingling in parties. Do you think the government or the committee that you are a part of will need to take strong actions against such people who A, break quarantine, and B, not declare their travel history? Is there any thought on this? There is 100% clarity on that. If people do not declare when they are coming to the country, if you kindly see the self-declaration form, it clearly indicates if you do not declare, you will be liable for legal action. Second thing is people who break quarantine, first we request them that, you know, it is in your benefit. From moment one, हम लोगों ने एक ही बात कही है, help us to help you. आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम आपकी सहायता कर सकें. क्या मान के चलो, number 13 is the question still there or it's over now? Thank you very much friends, thank you. हिंदी में आप जी जी हिंदी में इसी को सर, जो कल जिससे कनिका कपूर का मामला आया उसके बाद कई लोग इस तरह से हैं. आज भी रेलवे में 4 पैसेंजर को उतार दिया गया जिनके हाथ में पहले से मैंडेटरी जो है क्वारंटाइन लिखा हुआ था. तो ऐसी स्थिति में क्या प्रिकॉशनरी सर, चूंकि महत्वपूर्ण है, जो दुष्यंत सिंह सांसद थे इन्हीं गायिका के साथ पार्टी में शामिल हुए थे तो वो पार्लियामेंट भी आए, राष्ट्रपति भवन भी गए 50 सांसदों के साथ राष्ट्रपति मिले, तो इसको लेकर एक प्रीकॉशनरी क्या कोई कदम उठा रहे हैं आप लोग? देखिए संसद में और राष्ट्रपति भवन, आई थिंक इट हैज बीन नोटेड एंड यू विल गेट द रिप्लाई, यू विल गेट द रिप्लाई, जस्ट प्लीज वेट एक सेकंड. मैं शॉर्ट में, मैं शॉर्ट, आई थिंक प्लीज एक सेकंड, मैं कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ. नहीं देखिए, एक चीज़ है, जैसे कल भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की, हम इंडिविजुअल केसेस डिस्कस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि पर्सनल प्राइवेसी और साथ में हमें प्रोसेसेस समझने हैं और प्रोसेसेस का पार्ट ये है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर किसी को ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के लोगों से आप अगर किसी के टच में आते हैं तो क्योंकि आप एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लें और उसके तहत हमारे प्रोटोकॉल के तहत, हमारी गाइडलाइंस के तहत उनका किस टाइप की मॉनिटरिंग करनी है वो गाइडेंस हम प्रोवाइड कराएं. तो इसी के तहत हम काम कर रहे हैं, इसी प्रोसेस से हम काम कर रहे हैं. इंडिविजुअल केसेस ना डिस्कस करें, हमारा पूरा एफर्ट केवल यही रहे कि हम हर आदमी को जो भी
सस्पेक्टेड या कोई भी केस हो सकता है उसको रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. एंड फ्रेंड्स, कल का जनता कर्फ्यू के बारे में आप सभी का सहयोग आमंत्रित है, जितना हो सके अवेयरनेस उसके बारे में अपने अपने चैनल्स. नॉर्म अब पीसी नहीं होगा, अगर स्टिल आप लोग आप ई मैसेज ऑनलाइन कुछ देना चाहते हैं, विल ट्राई टू आंसर थ्रू द डिजिटल फॉर्मेट ओनली. थैंक यू वेरी मच.